एसआईडी भाव वेलकम बैक टू योर चैनल आरती देवा। सो बात यह है कि मैं आपके साथ बहुत सारे डीआईवाईज एंड होम डेकोरेशन रिलेटेड वीडियोस अब तक शेयर करती आ रही हूँ, बट मुझे ऐसा लगा मैं तो कभी भी किचन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कुछ भी वीडियो आपके साथ शेयर नहीं करी हूँ, जो कि करना भी चाहिए। आपके बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे बीच में। हालांकि मैं बहुत सारे डीआईवाईज किचन रिलेटेड आपके साथ शेयर करी हूँ, जो कि आप डेकोरेशन पर्पज पे यूज कर सकते हो। जब आपके किचन बहुत ही छोटा सा हो, जैसे मेरा किचन बहुत ही छोटा सा किचन है मेरा, वहाँ पे मैं सारे किचन आइटम्स हो गया, डेकोरेटिव आइटम्स हो गया, सारे मसाला या फिर कुछ भी यूटेंसिल्स सबको अरेंज करके मैं रखती हूँ। तो बात यह है कि एक प्रॉपर किचन को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें सारी चीज़ें परफेक्टली उसी जगह पे रखना चाहिए जहाँ से हम सारे प्रोडक्ट्स को इजीली एक्सेस कर सकते हैं, साथ ही साथ उसे नीट एंड क्लीन भी रख सकते हैं। सो मैं चाहती हूँ कि आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूँ कि कैसे आप कुछ प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके अपने किचन को बहुत ही सुंदर तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हो, और जिसके साथ साथ आपको एक प्रॉपर किचन भी मिलेगा, एक नीट एंड क्लीन स्लैब मिलेगा जिसके ऊपर आप काम कर सकते हो, कुछ ना कुछ डेकोरेट कर सकते हो। क्योंकि जब हमारा किचन का स्लैब फ्री होता है ना, तभी हम डेकोरेशन के ऊपर सोच सकते हैं। सो अभी के लिए तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो पहले तो मैं आऊंगी इस वाले एरिया पे जो कि बहुत ही गंदा लग रहा है अभी, एंड ये जो सारे वायर्स आप देख रहे हो इसे भी मुझे छुपाना है क्योंकि ये सामने की तरफ से बहुत ही गंदा लग रहा है, एंड इसके अंदर मैं ठीक से ना झाड़ू ना पोछा कुछ भी लगा सकती हूँ। सो इसीलिए मेरे दिमाग में बहुत दिन से था कि कुछ ना कुछ करके मैं इसे छुपा भी लूँ, और अगर किसी भी तरह के वर्टिकल ऑर्गेनाइजर मुझे मिल जाए तो मैं इस जगह को प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाऊंगी। एंड बात ये थी कि मैं हमेशा यही सोचती थी कि इतनी सी छोटी सी जगह के लिए मुझे अरेंजमेंट सिस्टम कहाँ मिलेगा। सो बस मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि मैं इसको कस्टमाइज करके लाऊं, बट लकीली मुझे ये इंटरनेट पे मिल गया। मैं आपको यहाँ ये वाला प्रोडक्ट को असेंबल करके भी दिखाऊंगी क्योंकि इस तरह डिसेंबल होके ही आपको मिलेगा जिसको आपको प्रॉपरली अरेंज करना है, बट इसको असेंबल करने के प्रोसीजर है ना बहुत ही ईजी है, आप स्क्रीन देख के इसे ईजिली फॉलो कर सकते हो। और ये प्रोडक्ट मुझे मिला मेसो से। मेसो तो आप सभी ने सुना होगा क्योंकि मेसो इज नाउ इंडियाज फेवरेट ऐप, जहाँ पर आपको बहुत ही टॉप क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बहुत ही लो प्राइस पे मिल जाएगा। उसके साथ साथ और भी सारे बेनिफिट्स मैं आपको बता देती हूँ। हियर इन दिस ऐप यू विल गेट फ्री डिलीवरी ऑन ऑल द प्रोडक्ट्स, एंड हाँ कैश ऑन डिलीवरी एंड इजी रिटर्न ऑप्शन भी यहाँ अवेलेबल है। अगर आप इसे बाय करने में इंटरेस्टेड हो देन वीडियो खत्म होने के बाद आप जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा। मैं सारे डिटेल्स एप्लीकेशन के बारे में एंड प्रोडक्ट्स के बारे में ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। तो फाइनली मैं इसे अभी प्लेस करने वाली हूँ। लाइक 90% टाइम मैं ब्रेकफास्ट में ओट्स बनाती हूँ सुबह सुबह, सो इसीलिए मैं यहाँ ओट्स को डब्बे के अंदर रख के फिर मिल्क पाउडर शुगर सारे ड्राई फ्रूट्स यहाँ अरेंज कर रही हूँ। एंड ये कम्पैक्ट स्पेस के अंदर ना आपके बहुत सारे सामान आ जाएंगे, जिस तरह मैं यहाँ सारे डब्बे को अरेंज करने के बाद भी बहुत सारे जगह मेरे बच गया था। सो इसीलिए मैं यहाँ छोटे छोटे प्लेट्स रख के अरेंज कर रही हूँ। तो मुझे नहीं लगता मुझे ये कहने की ज़रूरत है, आप ऑब्वियसली अपने हिसाब से ही अरेंज कीजिएगा, जो कि आप यूजुअली यूज़ करते हो आप यहाँ प्लेस कर सकते हो। एंड आई रियली होप कि ये वाला प्रोडक्ट आपके किचन के लिए भी बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। अभी आते हैं दूसरे वाले साइड की तरफ। यहाँ जो स्लैब मैं साफ कर रही हूँ इसे इसीलिए साफ कर रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर मैं अभी एक छोटा सा एंड क्यूट सा कॉफ़ी कर्नर क्रिएट करने वाली हूँ, एंड इसीलिए मैं ये तीन कंटेनर्स ले रखी हूँ जिसमें ऑलरेडी लेबल लगा हुआ है टी कॉफ़ी एंड शुगर, एंड इसे मैं इसीलिए ले रही हूँ। जो कलर कम्बिनेशन है ये बहुत ही पसंद है मुझे क्योंकि ये तीनों कलर आपस में एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से कम्प्लीमेंट कर रही है। ये स्टेनलेस स्टील में है तो ये सालों साल ऐसे ही रस्ट फ्री रहेगा। उससे पहले ये वाला कंटेनर भी आपको दिखा देती हूँ। मैं इसे रीयूज किया था, ये एक मखाना डब्बा है जिसके अंदर मैं अपनी चाय पत्ती रखी हुई थी, और आपको ना मेरे किचन में 90% चीज़ तो रीयूज वाला ही मिल जाएगा। मैं बहुत से चीज़ें को रीयूज करती हूँ, मुझे नहीं लगता मैं वैसे कुछ फेंक देती हूँ, किसी ना किसी तरह कुछ भी कंटेनर्स हो ना मैं इसे यूज़ कर लेती हूँ। सो बहुत सारी चीज़ आपको रीयूज ही मिलेगा। आज तो मैं किचन टूर नहीं दिखा रही हूँ, जिस दिन मैं आपको पूरे किचन के टूर दिखाऊंगी उस दिन में मैं अपनी जो जुगाड़ है ना उसे भी दिखाऊंगी, किस जगह को मैं किस तरह जुगाड़ करके रखी हूँ वो भी बताऊंगी। एंड हाँ, मैं जब भी कुछ नए प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ या फिर डेकोरेट करती हूँ, आपके कमेंट्स आती है कि आप प्राइस या फिर कहाँ से खरीदे ये नहीं बता रहे हैं। सो इसीलिए मैं यहाँ स्क्रीनशॉट
मेंशन कर रही हूँ, अगर आपको परचेज करना है तो आप कर सकते हो। वैसे तो मैं यहाँ जितने सारे प्रोडक्ट्स आपको दिखा रही हूँ सबको मैं मेसो से खरीदी हूँ। एंड नाउ इन इंडिया मेसो इज़ अ वेरी ट्रस्टेड ब्रांड जिसके यूज़र 1 करोड़ से भी ज़्यादा है एंड 50 लाख्स प्रोडक्ट्स यहाँ ऑलरेडी लिस्टेड है। आप जाके बहुत सारे वेराइटीज़ होम किचन किड्स वेयर वुमेन्स वेयर मेन्स वेयर पे चेक कर सकते हो, बहुत से प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएगा। एंड सबसे बेस्ट थिंग मैं मेसो की बता देती हूँ, यू कैन ऑल्सो अर्न मनी थ्रू मेसो बाय शेयरिंग एंड रीसेलिंग योर प्रोडक्ट्स टू योर कस्टमर्स टू योर कॉन्टैक्ट्स वाया फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम एंड मेनी अदर सोशल मीडिया। सो अगर आप यहाँ से परचेज करना चाहते हो या फिर इसका एक सेलर बनना चाहते हो देन आप इसे ज़रूर चेक कीजिएगा। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे ऑलरेडी डाल रखी हूँ। अगर आप मेरे दिए हुए लिंक पे जाके कुछ परचेज करते हो देन आपको 100 रुपीज़ या फिर फ्लैट 30% तक फर्स्ट ऑर्डर पे डिस्काउंट मिलेगा। सो आप जल्दी से चेक कीजिएगा। वैसे तो मैं चाय की बहुत बड़ी दीवानी हूँ, कॉफ़ी भी पी लेती हूँ बट उतना पसंद नहीं, एंड इसीलिए मैं चाह रही थी एक बहुत ही अच्छा सा टी कॉफ़ी कर्नर बनाने के लिए। बट मेरे पास उतना बड़ा जगह नहीं है जिसको मैं प्रॉपरली एंड डेडिकेटली कॉफ़ी कर्नर या फिर टी कर्नर पे कन्वर्ट कर सकूं। सो कोई नहीं, इतना सा छोटा सा भी जगह हो बहुत ही अच्छे से मैं अरेंज करूंगी सो दैट जिसे मैं हर दिन देख के खुद ही खुश हो जाऊंगी। बस मैं ये चाहती थी कुछ भी इस थीम पे डेकोरेट करूं बट उसी लिए मेरे पास जगह नहीं है। बस टी कॉफी मेकिंग के एसेसरीज रख के मैं इस जगह को डेकोरेट कर रही हूं। एंड ये जो वुडन पीस आप देख रहे हो जिसके ऊपर मैं सारे कंटेनर्स को रखी हूँ ये कुछ नहीं बस एक वुडन ट्रे है जिसको मैं उल्टे की तरफ घुमा के रखी हूँ ताकि मेरे कंटेनर्स को एक हाइट मिल सके। अभी आते हैं ये वाले नेक्स्ट प्रोडक्ट पे। ये बहुत ही एक यूज़फुल प्रोडक्ट है जो मुझे बहुत दिन से चाहिए था क्योंकि जो रोटी मेकिंग के एसेसरीज है मैं एक जगह पे रखना चाहती थी क्योंकि मेरे जो चकला है ना वो मार्बल से बना हुआ है सो बर्तन के सबसे नीचे उसको मुझे रखना पड़ता था और निकालते वक्त बहुत ही तकलीफ होती थी। सो मुझे लगा एक ही जगह पे मैं चकला बेलन तवा सबको एक ही जगह पे अरेंज कर लूँ तो ही अच्छा होगा। तो इस तरह क्या है कि मैं प्रॉपरली इसे ऑर्गेनाइज भी कर पाऊंगी, एक कम्पैक्ट स्पेस पे मेरे सारे रोटी मेकिंग के सामान एक साथ आ जाएगा क्योंकि चकला में रखती थी सबसे नीचे, बेलन में रखती थी चम्मच के साथ, तो ये सारे चीज़ें बहुत ही इधर उधर होके मेरे किचन पे था, एक ही जगह पे आ गया, मैं तो बहुत ही खुश हूँ। और ये जो प्रोडक्ट है ये तो वैसे भी बहुत ही कम प्राइस पे अवेलेबल है, अगर आप मेसो से फर्स्ट टाइम इसे परचेस करना चाहते हो तो उसके ऊपर भी आपको 100 रुपीज़ ऑफ मिलेगा। आई एम रियली वेरी सेटिस्फाइड विद दिस प्रोडक्ट बिकॉज मुझे इसी टाइप की ऑर्गेनाइजर बहुत दिनों से चाहिए था। अभी जो मैं दिखा रही हूँ आगे जाके मैं इसे ऑर्गेनाइज करने वाली थी सो इसीलिए मुझे लगा पहले इसका एक सॉल्यूशन निकाल दूँ क्योंकि मुझे लगता है हर किसी की किचन की कहानी ये है क्योंकि बहुत सारे नाइफ्स ऐसे होते हैं जिसको हम फेंक नहीं पाते हैं क्योंकि वेस्ट करना हम चाहते नहीं और नाइफ को किसी भी तरह से दूसरे बार यूज़ भी नहीं कर पाते हैं। सो पहले तो नाइफ को शार्पन करने के लिए हमें दुकान दौड़ना पड़ता था बट इसका सॉल्यूशन अभी इंटरनेट पे अवेलेबल है। इसके नीचे जो आप देख रहे हो ये एंटी स्लिपरी रबर पैड है जिसके हेल्प से आप इसे प्रॉपरली होल्ड कर सकते हो स्लैब के ऊपर। इसके रिलेटेड मैं सर्च कर रही थी तो मुझे ये वाला प्रोडक्ट मिल गया जिसके हेल्प से आप ब्लंट नाइफ को ठीक कर सकते हो, उसके एज को शार्पन कर सकते हो एंड इट एक्चुअली वर्क्स वेल। मैं तो बहुत ही सेटिस्फाई हूँ। बस आपको इस तरह 5 टाइम्स ईच सेक्शन पे इसको स्वाइप करना है एंड लेफ्ट हैंड से आप इसे अच्छे से होल्ड करके रखिएगा क्योंकि थोड़ा सा प्रेशर देना होता है। बस आपको इस सेक्शन पे मिनिमम 5 टाइम्स नीचे की तरफ इस तरह स्वाइप करना है, बस थोड़ा सा प्रेशर डाल के कीजिएगा तो ही अच्छा रहेगा रिजल्ट। चलिए मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। जब इसकी एज ब्लंट था तभी मैं आपको कट करके दिखा रही थी और अभी कट कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा सा प्रोडक्ट है, आप इसे ज़रूर चेक कीजिएगा। सो बात यह है कि ये हो गया बर्नर जिसके सामने हमारे मोस्ट ऑफ द टाइम जाती है किचन की, और मैं चाहती हूँ कि जो जो जगह इसके सराउंडिंग में है वहाँ पे मेरे सारे एसेंशियल चीज़ रहे। जब भी हम खाना बनाते हैं तब इतना मतलब इतना दौड़ भाग में हम खाना बनाते हैं ना, सब लगता है कि सारी चीज़ें मेरे हाथ के पास ही रहे। सो इसीलिए
यहाँ तो मैं मसाला रख रही हूँ अभी। ये वाला बॉक्स तो आपने देखा होगा, ये एक DIY था जो कि मैं शायद 2 या 2.5 साल पहले इसको बना के आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। वैसे तो ये जो बॉक्स है ये लाइक 10 ईयर्स ओल्ड है, बट आज सोच रही हूँ इसका जो सामान है दूसरे एक बॉक्स में मैं ट्रांसफर करूँ, बट इसको मैं अभी भी फेंकूंगी नहीं क्योंकि बहुत ही अच्छे कंडीशन पे है। इसको किसी ना किसी ऑर्गेनाइजर की तरह मैं यूज कर लूंगी। इतना बड़ा सा किचन तो नहीं है मेरा, सो इसीलिए चाहती हूँ कि स्लाब थोड़ा सा खाली रहे सो देट मैं डेकोरेशन के लिए कुछ प्लान कर सकूँ। अभी जो कंटेनर आप देख रहे हो ये स्टील का है और इसमें ऑलरेडी रस्ट लग गया है। मैं बाद में इसको साफ करके कुछ ना कुछ इसके अंदर भी रख लूंगी, बट अभी के लिए इसके अंदर जो सामान है, क्योंकि सारे स्पून्स नाइफ और जब भी निकालना चाहती हूँ ना किसी ना किसी तरह मेरे हाथ में लग जाती है, सो इसीलिए मैं चाह रही हूँ इसे एक प्रॉपर तरीके से मैं ऑर्गेनाइज करके रखूँ सो देट जब भी चाहूँ जो भी चाहूँ निकाल सकूँ। तो इसको प्रॉपरली अरेंज करने के लिए मुझे ये वाला ऑर्गेनाइजर मिला 5, 6, 7, 8 जो कि पैकअप 8 है और 3 छोटे छोटे कंटेनर्स है। और इस तरह आपको 3 कंटेनर्स और मिल जाएंगे। और बड़ा वाला कंटेनर जो है ये है 2। आपके बहुत सारे सामान को एक जगह पे बट अलग अलग तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखने में ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। मुझे बहुत पसंद आया, सो मुझे लगा कि मेरे किचन के लिए तो ये परफेक्ट है क्योंकि इतना जगह भी नहीं है, एरियाज भी ऑप्टिमाइज हो जाएगा, सो इसीलिए चलिए मैं इसको आपको रख के दिखाती हूँ। इसका और एक फीचर मैं आपको बता देती हूँ, आप इस तरह दूसरे कंटेनर को इस तरह यहाँ पे लॉक कर सकते हो, मतलब ऐसा नहीं आप इस तरह एक को अरेंज कर सकते हो और दूसरे को भी इस तरह अरेंज कर सकते हो, देखिए इस तरह रह जाती है। एक बहुत ही यूजफुल ऑर्गेनाइजर है, आप इसे बहुत तरीके से यूज कर सकते हो। ये बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे मीशो पे अवेलेबल है, अगर आप इसे खरीदना चाहते हो तो आप इसे जरूर चेक कर सकते हो क्योंकि एक ड्रॉयर को ऑर्गेनाइज करने के लिए इससे अच्छा मुझे नहीं लगता कोई भी ऑप्शन हो सकता है। अभी जो कंटेनर्स आप देख रहे हो ये बहुत ही अच्छा सा एक प्रोडक्ट है, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि इसका जो बड़ा वाला कंटेनर है ना मेरे पास बहुत दिनों से ही, बहुत दिन क्या 1-2 साल से मैं इसे यूज कर रही हूँ। इसका जो प्लास्टिक की क्वालिटी है बहुत ही अच्छा है। बड़े बड़े डब्बे के अंदर मैं चावल वगैरह रखती थी तो मुझे लगा छोटे कंटेनर्स के अंदर मैं सारे पल्सेस को प्रॉपरली अरेंज कर दूं, जैसे हो गया अरहर दाल, मसूर दाल, मूंग दाल, इस तरह सारे पल्सेस को मैं एक जगह अरेंज कर दूंगी। एंड अगर आप सेम टाइप के कंटेनर्स के साथ एक जगह को डेकोरेट करते हो ना उसका लुक अपने आप में भी बहुत सुंदर होती है। सो मैं इस ड्रॉयर के अंदर सारे पल्सेस को इस तरह अरेंज कर रही हूँ। सो बस प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत ही अच्छा था, मीशो पे ये बहुत ही सस्ते प्राइस पे अवेलेबल है एंड मैं बहुत दिनों से इसे यूज़ कर रही हूँ तो एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा था, सो मुझे लगा मैं आपके साथ भी शेयर कर लूँ। सारे बॉक्सेस से ही इसको तो मैं ड्रॉयर से निकाल दिया बट इसको अभी मैं रखने वाली हूँ। आप अपने सारे स्पाइसेस को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर सकते हो, जो भी आपको चाहिए आप इस वाले ड्रॉ के अंदर भी रख सकते हो। बहुत सारे ट्रे किचन हो और स्पाइसेस ना हो ये तो हो ही नहीं सकता, बट उसे प्रॉपरली अरेंज करने के लिए हमको एक जगह चाहिए। मैं एक कंटेनर में मसालास रखती हूँ बट उतना काफ़ी नहीं होता, कुछ मसालास को मुझे एक राउंड ट्रे के अंदर रखना पड़ता है, किस किस स्पाइसेस को मुझे बॉक्स के अंदर रखना पड़ता है क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे 2-4 कंटेनर्स होते हैं, उसके अंदर मैं बहुत सी वेराइटीज़ एक साथ रख नहीं पाती हूँ।
सो इसीलिए इसके सोल्यूशन ढूंढते हुए मुझे ये वाला कंटेनर्स मिला। ये एक ट्रे के अंदर 12 कंटेनर्स है, जिसके अंदर आप अपने सारे मसाला प्रॉपरली अरेंज कर सकते हो। नमक मिर्च वो भी सारे जो कि आपके हाथ के पास होना चाहिए वो भी आप अरेंज कर सकते हो। एंड इसके ऊपर आपको इस तरह लॉकिंग सिस्टम देखने को मिलेगा। एंड ये जो सर्कल शेप में आपको दिया गया है, इसके अंदर आप सारे स्पाइसेस को अरेंज कर सकते हो। और ये जो फोर होल्स वाला ओपनिंग आप देख रहे हो, इसके अंदर आप फाइन मसालास जैसे नमक, हल्दी और रेड चिली या फिर करी पाउडर, इस टाइप के कुछ चीज़ें अरेंज कर सकते हो, ताकि आप जब भी इसको खाने में डाल रहे हो प्रॉपरली एंड एडिक्वेट क्वांटिटी में आप डाल सको। इसको ऊपर के तरफ अगर आप देख रहे हो, देन आप बेटर है कि ऊपर के तरफ आप लेवलिंग कर दीजिए, सो दैट आपको ढूंढने में इजी होगा। प्रोडक्ट डिटेल्स मैं स्क्रीन पे मेंशन कर रही हूँ, अगर आप खरीदना चाहते हो तो भी आप खरीद सकते हो। इसे भी मैं मेशो से ले रखी हूँ। बहुत सारे चीज़ें तो मेरे एक ट्रे के अंदर आ गया, बस इसे मैं अपने जो बर्नर है इसके आसपास कहीं प्लेस करूंगी। एंड मुझे लगा जिस जगह पे मैं सारे पल्सेस को अरेंज करके रखी हूँ उसी जगह पे भी इसे रख लूंगी, ताकि मेरे हाथ के पास भी रहे और मुझे ढूंढने में कोई प्रॉब्लम ना हो। नए वाले मसाला डब्बा तो मेरा बिल्कुल ही तैयार है, बट पुराने वाले जो मसाला डब्बा था ना, उसे तो मैं फेंकूंगी नहीं, क्योंकि मैंने डीआईवाई किया था और ये वैसे ही है जैसे मैंने बनाया था। मेरे जो सारे सूप के पाउचेस से इसे रख के स्टोर कर रही हूँ। और पीछे जो दो कंटेनर्स आप देख रहे हो, ये भी डीआईवाई है, इसे भी मैं एक साथ बनाई थी 2 साल 2.5 साल पहले। बहुत से कमेंट्स ऐसे आते हैं, क्या सच में डीआईवाई इतने देर तक चलती है? मेरे घर के तो मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट डीआईवाई ही है और ये बहुत साल तक ऐसे ही रहता है, तो आप बेफिक्र होके इसे भी ट्राई कर सकते हो। सो आई रियली होप कि आपको ये वाला वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया होगा, क्योंकि मैं इस रिलेटेड वीडियो नहीं बनाई थी और मुझे लगा अभी अगर मैं अरेंज कर रही हूँ तो आपके साथ भी शेयर कर लूँ। अगर आपको सच में पसंद आया है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। अगर आप इस वीडियो से इंस्पायर होकर अपने किचन को ऑर्गेनाइज करते हो तो मेरे साथ मेरे इंस्टा पे जरूर शेयर कीजिएगा। और जाने से पहले मैं जरूर बोलूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो, देन मेरे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। फिर मिलती हूँ बहुत सारे नए डीआईवाई एंड होम डेकोरेशन आइडियाज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।